अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर मेहनत नादान हो तो टूट जाती, लेकिन मेहनत हमारे आप जैसे विद्यार्थी को इतिहास बनाती है। आइए, और आज की क्लास में ये टॉपिक जो है इंप्रेसिव सेंटेंस का, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होता है, जैसा कि आप क्वेश्चन 2018 में देखे प्री और मेंस के दोनों पूछा गया, लिखा है सवाल में कि दे सेड टू मी लेट अस एंजॉय द क्लास, इसमें बहुत सारे बच्चे बनाते भी है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों को मिस्टेक शो आपसे होते हैं। सवाल का जो रूल है, जो तरीका है, अगर हम बात करें कहां पे मिस्टेक्स हुई है, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर हम लोग बात करें बच्चों रूल्स की या हम बात करें बच्चों नियम की, इसका रूल और नियम क्या है, कहता है कि सबसे पहले चेक करें इसमें सब्जेक्ट दिया है, यस दिया है, इसमें वर्ब दिया है, यस दिया है, इसमें चेक करिए ऑब्जेक्ट गिवन है कि नहीं है, यस ऑब्जेक्ट गिवन है। अभी तक हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए सारे बच्चों को मैं बता दूं कहां पे मिस्टेक होता है, जहां जहां पे सेट टू है, दिस सेट टू में क्या करें, जहां जहां पे सेट टू है उस सेट टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है कि नहीं करना है, ये तो बात अलग है। सबसे पहले हम चूंकि यहाँ पे अपनी बात की शिक्षा ने बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सजेस्टेड, लेकिन इसी को अब यहाँ पे बताओ बच्चों कहाँ मिस्टेक किया था, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते क्या करते हैं, बच्चे सजेस्टेड के बाद में लिख देते, जबकि रूल ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट के साथ टू लगाना जरूरी होता है, बच्चे क्या करते हैं टू हटा देते हैं, आपको सजेस्टेड टू लगाना है, आई रिपीट सजेस्टेड टू लगाना है, टू नहीं हटाना है, थोड़ी सी मिस्टेक उसी को हम लोग सही करेंगे। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हम चाहे तो प्रपोज भी लगा सकते हैं, प्रपोज के साथ टू लगाना है, जब ऑब्जेक्ट दिया है तो टू लगाना ही लगाना है, इतना ही नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें पता चल गया बेसिक, या तो ये जाती है, अगर हम बात करें स्टेप नंबर सेकंड की, तो प्यारे साथियों कंजंक्शन हमेशा हम लोग दैट लगाएंगे, कंजंक्शन अगर कोई पूछेगा क्या लगाएंगे तो कंजंक्शन हमेशा हमें लोग याद रखना दैट लगाएंगे। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या कहता है बच्चे यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे लेटेस्ट दिया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, पूरा ऑब्जेक्ट दिया है, आपको चेक करना है यहाँ पे लेट दिया रहेगा, लेटेस्ट दिया रहेगा, या बच्चों कभी कभी लेट्स दिया रहेगा, तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में गिवन होगा और हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमें दो बातों पर ध्यान देना है, और वो जो दो बातें हैं वो ये करना है कि यहाँ पे अस में बी छिपा है, अस में वी छिपा है तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे, और या हम चाहे तो दे भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पेपर में वी और दे दोनों आए तो आप प्रायोरिटी हमेशा वी को देंगे, प्रायोरिटी हमेशा वी को देंगे, दोनों हालांकि सही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सजेशन भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वी के साथ हम यहाँ पे मॉडल वर्ब शुड लगाते हैं, शुड चूंकि मॉडल वर्ब है इसीलिए प्यार साथियों हमेशा इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं, और इस प्रकार हमारा तैयार हो जाता है लेटेस्ट वाली समस्या का सलूशन। आइए मिलकर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का सारा रूल है, ऊपर सवाल है, आंसर अगर हमें बनाना है तो हम इसका आंसर जब बनाएंगे तो सबसे पहले दे सेट टू की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे सजेस्टेड टू मी लगाना है, सिर्फ मी नहीं लगाना है, टू भी लगाना है, कंजंक्शन हम लोग लगाएंगे दैट, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, अब यहाँ पे दैट के बाद हम वी भी लिख सकते हैं और दे भी लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया प्रायोरिटी हमेशा दे को नहीं वी को देंगे, और चूंकि वी दिया है और सलाह दिया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए वी शूट लगाएंगे और एंजॉय चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और द क्लास, और इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में।